अचानक वो फर्श के अंदर धंसने लगता है। पूरा परिवार चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी बेटी पास रखे लकड़ी की एक स्टैंड से उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह टूट जाता है। उसका बेटा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठा कर लाता है। इधर उसकी बेटी को एहसास हो जाता है कि यह गेम की वजह से हुआ है। वो पास से चलती है। इधर वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी टूट जाता है। उसकी पत्नी लकड़ी का एक बोर्ड उठा कर लाती है। इधर गेम के शीशे में हलचल होने लगती है। उसकी पत्नी उसे कसकर पकड़ लेती है और इधर गेम में हुई भविष्यवाणी से फर्श वापस सख्त हो जाता है। वो अपनी बेटी की तारीफ करता है और अपने बेटे से कहता है कि अब तुम खेलो। वो पासे फेंकता है और गेम की भविष्यवाणी पढ़ता है। अचानक कमरे के अंदर बड़ी बड़ी मकड़ियां आने लगती हैं। दोनों बच्चे चिल्लाने लगते हैं। वो पूछता है कि बच्चों क्या हुआ। वो कुछ बोलते उससे पहले उसे शीशे में मकड़ियां दिखाई देती हैं। वो अपने बेटे से गोदाम में रखी कुल्हाड़ी लाने को कहता है। उसकी बेटी जैसे तैसे उनसे जद्दोजहद करती है। वह उन्हें अपनी माँ से भी दूर करती है।